हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार प्रजापति कुंभलगढ़ के इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। और हम यहाँ ध्यान करेंगे हमने बात की थी बच्चों, ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है और यहाँ पर 9 प्रवेश द्वार हैं। और पहला गेट ये, दूसरा प्रवेश द्वार, तीसरा प्रवेश द्वार, चौथा प्रवेश द्वार। यहाँ से एक बात की थी हमने, कटारगढ़ का एक महल बना हुआ है। किसका महल बना हुआ है? कटारगढ़। ये कटारगढ़ के महल में, महल की यहाँ से ऊंचाई शुरू हो जाती है और यहाँ से जब जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें बड़ी मशक्कत करनी होती है। यहाँ से गेट नंबर 5 है, 9 तक, 9 गेट के बाद में कटारगढ़ आता है। कि यहाँ पे कौन सा महल आता है? कटारगढ़। यहाँ ये कौन सा महल था? कुंभलगढ़ महल। ये कुंभलगढ़ महल है और कुंभलगढ़ महल के अंदर ही कौन सा महल बना हुआ है? कटारगढ़ का महल बना हुआ। कटारगढ़ के लिए ये कहा जाता है कि यहाँ महाराणा कुंभा निवास करते थे। महाराणा कुंभा का निवास स्थान कटारगढ़ कहलाता था। यही कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आँख भी कहते थे। मेवाड़ की तीसरी आँख भी कहलाता था। इसी कटारगढ़ महल के अंदर एक महल और बना है और इस महल को कहते थे बादल महल। अब बोले तो बादल महल क्या है? इसी बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में होता है। और यदि हम बात करें तो यहाँ बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह होता है, उदय सिंह। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई होता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुन्ना में होता है। 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुन्दा में होता है, लेकिन इनका विधिवत राज्याभिषेक कहाँ पर होता है? कुंभलगढ़ के दुर्ग में इनका विधिवत राज्याभिषेक होता है। यहाँ अभी हमने बात की बच्चों कि यहाँ जो गेट हैं, ये देख रहे होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ 4 प्रवेश द्वार हैं। फिर हमने बात की थी कि 4 प्रवेश द्वार है। सबसे पहला प्रवेश द्वार कौन सा है? कौन बताएगा सबसे पहला प्रवेश द्वार कौन सा है? तो सबसे पहला प्रवेश द्वार ऑरेट पोल है। ऑरेट पोल के बाद में हल्ला होता है और वो हल्ला पोल कहलाता है, दूसरा प्रवेश द्वार। अगर हम तीसरे प्रवेश द्वार की बात करें तो वहाँ हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है, वो हनुमान पोल है यहाँ पर। और फिर हमें विजय प्राप्त हो जाती है, ये विजय पोल है यहाँ पर। 1 2 3 4 कुंभलगढ़ के दुर्ग की हम बात कर रहे हैं, तो कुंभलगढ़ के दुर्ग का 4 प्रवेश द्वारों को पार करने के बाद यहाँ हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इसे ऊपर ऊंचाई शुरू हो जाती है। और जो ऊंचाई शुरू होती है तो वहाँ फिर गेट आते हैं, अलग अलग गेट आते हैं। यहाँ पे भैरव पोल आता है, नींबू पोल होता है, चौगान पोल आता है, फिर गणेश पोल आता है, पागड़ा पोल आता है, सबसे अंतिम पोल गणेश पोल यहाँ आता है। उसके बाद यहाँ कुंभलगढ़ के महल हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कुंभलगढ़ के महलों में सबसे ऊपर का एक महल जो होता है उसको कटारगढ़ का एक महल बना हुआ है। किसका महल बना हुआ है बच्चों? कटारगढ़ का महल बना हुआ। इसी कटारगढ़ के महल में महाराणा कुंभा निवास करते थे। महाराणा कुंभा क्या करते थे? ये महाराणा कुंभा की तीसरी आँख कहलाती थी। जैसे भगवान शिव की जो है वो तीसरी आँख होती है यहाँ पर, जिससे वो दिव्य ज्ञान यानी भविष्य को देख सकते थे, किसी के बारे में भविष्यवाणी कर सकते थे,
वही तीसरा नेत्र जो है वो कठारगढ़ के लिए संज्ञा दी गई कि ये कठारगढ़ जो है ये मेवाड़ का तीसरा आँख है और यहीं इसी महल के अंदर बैठकर महाराणा कुंभा सब तरह के दृश्य देख सकते थे कि शत्रु कहाँ से आ रहा है और कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है। इनके पास दूरबीन भी हुआ करती थी उस जमाने की। महाराणा कुंभा और यही जो आँखें जो होती थी ये इनकी दूरबीन होती थी। तो कठारगढ़ महल के अंदर फिर हम अंदर और जाते हैं तो एक महल और बना हुआ है और ये बादल महल कहलाता है, जहाँ महाराणा प्रताप जो इस धरती पर वीर योद्धा हुए थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में होता है। महाराणा प्रताप का जन्म बादल महल में होता है और इनके पिता उदय सिंह हैं यहाँ पे। माता का नाम जयवंता बाई है। महाराणा प्रताप की माँ जयवंता बाई पाली की रहने वाली है। फिर गोविंदा की हम बात करेंगे। 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोविंदा में होता है, लेकिन इनका एक दूसरी बार फिर राज्याभिषेक होता है और वो दूसरी बार राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। कौन से दुर्ग में होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं। ये कुंभलगढ़ का दुर्ग वही दुर्ग है जिसमें 9 प्रवेश द्वार हैं और यहाँ तक का हमने अध्ययन किया। एक विद्वान का नाम आता है बच्चों अबुल फजल। कौन था ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया था। अबुल फजल अकबर का दरबारी कवि था। दरबारी कवि होता है और अबुल फजल ने एक किताब लिखी थी अकबरनामा। इनकी किताब का नाम है। अबुल फजल ने जब इस दुर्ग को देखने के लिए आए थे और जब ये वहाँ चित्तौड़ के दुर्ग को देख रहे थे तो उन्होंने क्या है कि ऊपर देखा, मतलब उन्होंने ऊपर की ओर देखा, तो जब वो देख रहे कि इतना विशाल, जब उसने पूरा ऊपर देखा तो ऊपर देखने पर क्या हुआ बच्चों कि उनके वो कहते हैं कि जब कुंभलगढ़ के दुर्ग को नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग को नीचे से ऊपर की ओर देखने पर क्या होता है? सिर की पगड़ी गिर जाती है। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल के भाई का नाम क्या होता है बच्चों? फेजी। अबुल फजल के पिता का नाम क्या होता है? शेख मुबारक। ये तीनों किसके दरबार में होते हैं? अकबर महान के दरबार में होते हैं। अकबर मुगल सम्राट के कौन से नंबर के? ये तीसरे नंबर के सम्राट होते हैं। पहला कौन होता है? बाबर। दूसरे कौन होता है? हुमायूं। और तीसरे कौन होता है? अकबर, जिनको अकबर महान कहा जाता है। यहाँ तक का हमने बात किया कि ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है। एक बार वापस ध्यान दीजिए, ये यहाँ बादल महल है, ये कठारगढ़ है यहाँ पे, ये कुंभलगढ़ का दुर्ग बना है यहाँ पे, ये आपके अबुल फजल को आप देख रहे हो। अबुल फजल विद्वान कहाँ रहता था? मुगल सम्राट अकबर के दरबार में रहता था। बोले तो अकबर कहाँ रहता था? दिल्ली के महलों में रहता था। दिल्ली के दरबार जब लगता था तो अबुल फजल वहाँ का एक इतिहासकार भी था, एक कवि भी था। अकबरनामा इन्होंने किताब लिखी थी और ये कहते हैं कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी जो है वो नीचे गिर जाती है। अकबर के परिवार की हम चर्चा करें तो इनके पिता कौन थे? शेख मुबारक। अगर इनके भाई का पूछे तो इनका भाई कौन था? फेजी था। अगर बोले तो अकबर कौन से नंबर का सम्राट था? अकबर तीसरे नंबर का सम्राट होता है। यहाँ तक की हमने चर्चा की। अब देखिए बच्चों, कुंभलगढ़ दुर्ग जो ये कुंभलगढ़ बना हुआ है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो हमने बताया कि महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। अब यहाँ आगे हम बात करें तो कुंभलगढ़ के दुर्ग की और अन्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि कुंभलगढ़ के दुर्ग में 50,000 लोग निवास कर सकते थे। इसमें कितने लोग निवास कर सकते थे? 50,000 लोग इसमें निवास कर सकते थे। ये इतना विशाल दुर्ग था। कुंभलगढ़ दुर्ग के ये एक गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है।
पापड़ हुआ, कुल फसल हुआ। हाँ अब यहाँ हम देखते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है बच्चों, ये जो हम देख रहे हैं इसमें अगर अकबर, यहाँ हमने अकबर की बात की थी, अकबर महान, अकबर ने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने के लिए शाहबाज खान को भेजा था। किसको भेजा? शाहबाज खान। शाहबाज खान यहाँ 3 बार आया था। अकबर ने जो कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने के लिए अपने एक सेनापति को भेजा था, उस सेनापति का नाम क्या है? शाहबाज खान है। यहाँ पे ये शाहबाज खान कुंभलगढ़ के दुर्ग को घेर लिया था तीनों ओर से, 3 बार इसने हमला किया था और इसने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ के दुर्ग पर 1 बार अधिकार कर लिया था। पूरे मेवाड़ के इतिहास में एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस जहाँ मुगलों ने यहाँ इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया था, लेकिन ये क्षणिक मात्र रहता, फिर महाराणा प्रताप ने वापस इसको जीत लिया था। महाराणा प्रताप के समय काल के अंदर अकबर महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए, जिंदा या मुर्दा बंदी बनाने के लिए किसको? शाहबाज खान को भेजते हैं। शाहबाज खान यहाँ आते हैं, एक बार हमला करते हैं हार जाते हैं, दूसरी बार हमला करते हैं हार जाते हैं, तीसरी बार फाइनली शाहबाज खान यहाँ इस दुर्ग को जीत लेते हैं। तो केवल एक बार ही इस दुर्ग पर एक जो अकबर का सेनापति या अकबर इस पर अधिकार कर सका था, एक बार, केवल एक बार। और शाहबाज खान कितनी बार आया था यहाँ पे? 3 बार आता है यहाँ पे। तो ये कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है एक बार जरूर पराजित हुआ था। कितनी बार पराजित हुआ था? एक बार। बाकी दुश्मनों ने यहाँ पे कई बार हमले किए थे जिसके हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। यहाँ तक का हमने देखा, एक बार वापस ध्यान कीजिए। सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है, इसमें कितने बच्चों कितने प्रवेश द्वार है इसमें? इसमें 4 तो आगे की तरफ हैं और फिर 5 आगे आते हैं। यहाँ कुंभलगढ़ का दुर्ग है, ये 5 पहाड़ियाँ 6 पहाड़ियों पर है। ये श्वेत पहाड़ी है, नील पहाड़ी है, निषाद पहाड़ी है, हेमकूट पहाड़ी है और हेमगिरी पहाड़ी है। यहाँ पे 3,665 समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। ये हमने पिछले कक्षा में देखा था। फिर हमने देखा महाराणा प्रताप का निवास स्थान कटारगढ़ है। यहाँ पे कटारगढ़ की हमने बात की। फिर हमने कि यहाँ 50,000 लोग निवास कर सकते हैं, चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है। ये बादल महल है जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म होता है। फिर हमने देखा कि अबुल फजल अकबरनामा, अबुल फजल ने कहा कि जब नीचे से ऊपर इस दुर्ग को देखते तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह है, माता का नाम जयवंता भाई है। गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ था, कुंभलगढ़ में विधिवत इनका राज्याभिषेक किया गया था। यहाँ तक हमने देखा अकबर का सेनापति शाहबाज खान ने इस पर 3 बार हमला किया था, एक बार जरूर कुंभलगढ़ के दुर्ग में जो है कुंभलगढ़ का दुर्ग में राजपूत पराजित हुए थे, बाकी हमेशा से ही जीतते आ रहे थे। इस दुर्ग अजय दुर्ग कहलाता है, इसको कोई नहीं पराजित कर सकता, लेकिन एक बार जरूर ये पराजित हुआ था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम अगली कक्षा में फिर आपसे रूबरू होते हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद।